स्वच्छता भी इधर जाइए। और आप लोग तालियां बजाते रहा करिए बीच-बीच में, इससे एनर्जी मिलती है। आपका क्या नाम है? जागृति। जागृति क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? मैंने मैम की आवाज सुनी है, गाना बहुत अच्छा गाती है, गाना हो जाए होली के मौके पे आपकी आवाज में। क्या बात है, होली के मौके पे जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी जोगी जी। वाह, क्या बोलती है पब्लिक, ये कहाँ से निकाला रे? ये अपने आप निकल रहा है, अंदर से जो आपने कहा ना अंदर होता है सब कुछ, तो वो अंदर की आवाज निकल कर आ रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक निकालने की बात है तो वो बंदूक भी निकलती है आजकल बहुत ज्यादा, सपना चौधरी के नाम पे बंदूक निकलती है क्या? मरवाओगे, पहले केस लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ठीक है ना, ऐसा करते हैं आज बंदूक अभी नहीं निकालते, थोड़ी देर के लिए उसे रख देते हैं, पिचकारी निकालने चलेगा। बलम पिचकारी, क्योंकि यहाँ जितने सारे लोग हैं ये सब कह रहे हैं होली खेलना चाहते हैं। कितना गंदा एंकर है। देखिए, आज तक सपना चौधरी हिंदी गाने पर डांस करते हुए नहीं दिखी हैं, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए कोशिश तो करिए आप लोगों के साथ बलम पिचकारी पे, इसलिए जोरदार ताली के साथ आप उनका साथ दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, मेरे को मत बोलिए। ठीक है, चैनल वालों चालू नहीं बनना। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली अपने लिए आप लोग बजाइए, आपके अंदर का नाग नागिन सब बाहर आ गए थे। इनको चुन चुन के हम बुलाते हैं। भाई साहब आप इधर आ जाएगा। तीसरा कहाँ गया? तीसरा लंबे लंबे बाल थे उसके। हटना एक बार, हटना साइड में, हटना। हाँ हाँ, फुल फ्रेम। नहीं नहीं नहीं, वो तो अजीब ही से था, वो दूसरी धरती का प्राणी है। वो है ही नहीं, हिंदुस्तान का तो है ही नहीं वो। जी वो बैठा नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा वो। हाँ यही है, ये ही है। नहीं नहीं, ये नहीं है। ए क्यों अच्छे बच्चे को मार रहे हो खामा खा, क्यों? वो है ही नहीं जब बेचारा, वो तो दिखी दिखना ही बंद। नहीं तो एक बार पूछ लेते ना, इन्होंने डांस कहां से कूदा, कहां गया पता ही नहीं चला, या मेरे को कोई और दिख गया किसी में। इन दोनों को ही नचाओ। नहीं नचा, एक बार आपके लिए नचा है इन दोनों को, एक वो व्हाइट वाले को भाई आना प्लीज, प्लीज आ जाना, इन तीनों को नचाओ। एक सेकेंड, पहली बार मैंने देखा आपने इतने प्यार से कहा भाई आना और ये खड़े हो गए। क्या हुआ भाई? दिल पे चोट लगा सर, दिल दो टुकड़ों में बट गया। इतनी देर में से क्या निकाल लेगा तू मुझ में से? कम से कम भाई तो बोल दिया। ना लगना गलत डायरेक्शन पे हो, गलत बात, एक बार, गलत एक बार बात। फिर से दादू एक बार नगाड़ा हो ही जाए। हाँ, और वही वाला छन छन वाला बजाना, जितनी तालियां बजेंगी। आपको मालूम है नगाड़ा 5 मिनट पहले बंद हो गया, जनरेटर चल रहा था। मुझे ये बता माँ के पेट में कैसे रुका तू? नहीं ये डांस करते करते ही इसने दुनिया में कदम रखा है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल नाम तो सुना ही होगा। इसके तो नागिन को भी लकुआ मारा हुआ था। राहुल आप कहाँ से हो? जी भिवानी तक। भिवानी से छोरा हमारा बहुत मस्त नाचे, आप बहुत ज्यादा मस्त नाचे। मतलब आप ऐसा नाचे हो ना कि एक बार मुर्दा भी खड़ा होके यूं देखने लग जाएगा, अच्छा नाच रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा, और मैं इतना
इतना हंसी हूँ मेरी आंखों से आंसू आ गए। नहीं राहुल, ये डांस कौन से गाने पर सीखा था, किसके गानों को सुन सुन के प्रैक्टिस किया? नहीं मैंने सीखा नहीं है, जैसे मन में आता वैसे कर। इनबॉर्न टैलेंट है, यू नो, ये तभी तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तभी तो अच्छा लगा, वो बंदा दिल से नाचा। एक बार जोरदार ताली राहुल के लिए होनी चाहिए। ओके राहुल, थैंक यू वेरी मच। राहुल आप बैठ सकते हैं, आप बहुत देर से लेटे हुए थे यहाँ पर। ये सारे लोग जब आप देख रही हैं, पहले आपने शुरू किया था हरियाणा से, छोटे स्टेजेस में आपने शुरू किया, उसके बाद कभी ये सोचा था कि इस तरीके से इस नए मुकाम पर पहुंचेंगे? कभी भी नहीं। फिर ये बिग बॉस, उसमें कितना बड़ा रोल उसने प्ले किया, कितना बड़ा कलर उसने ऐड किया खुशी का? बिग बॉस, बिग बॉस मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में बिग बॉस की उतनी ही अहमियत है जितनी एक भूखे बच्चे के लिए दूध की। बहुत कुछ दिया बिग बॉस ने मुझे, और बिग बॉस 11 में नो डाउट सभी ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और सभी बहुत अच्छा करते रहेंगे, क्योंकि बिग बॉस 11 की बात ही अलग थी। वर्षा, पिस्ता, सलमान सर, बहुत लोगों से मैं मिली, बहुत अलग मैंने वहाँ दुनिया देखी, जहाँ शायद मैं गई भी नहीं थी, निकली भी नहीं थी कभी। तो मैं सभी को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। कमाल करती हैं आप। सलमान भाई का नाम लिया आपने, सलमान के साथ जो कन्वर्सेशन रहते थे, जो मेमोरीज हैं, वो कैसी हैं? मतलब ऑफकोर्स बहुत अच्छी हैं। कोई ऐसी जो शेयर कर सके आप? नहीं ऐसी तो नहीं है। सलमान देख रहे हो, पर सच में वो बहुत अच्छे इंसान है, और मेरे ख्याल से कोई रिलीजन, कोई जात पात मैटर नहीं करती है। हाँ मैटर करता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। वो सच में वो अपने ब्रांड की तरह बींग ह्यूमन, टोटली बींग ह्यूमन। क्या बात है, सल्लू भाई के लिए ऐसा कई लोग बोलते हैं, इसलिए उनको सब सल्लू भाई कहते हैं ऐसे। अच्छा, निकनेम की अब एक बार फिर से बात निकल गई है, आपने कहा स्टेज पे कई नाम आपको मिलते हैं, फेवरेट नाम जो सपना को आज तक मिला हो स्टेज पे? देसी क्वीन। ओए पलट। ये किससे दिया था देसी क्वीन? ये मुझे मिला हुआ है टैग, किसी को सेल्फी क्वीन मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, मुझे देसी क्वीन मिला। ओके, तो ये मतलब खुद से बनाया हुआ या लोगों ने ही ऐसे? ये लोगों ने दिया हुआ है। लोगों ने दिया, ये लोगो लोगों का दिया हुआ है। बिल्कुल, ये उनका दिया हुआ है जो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है, दिखते नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। अपने लिए तो आप लोग ताली बजा सकते हैं, आप ही के लिए बात हो रही है। तो एक बात, जो बहुत कुछ लोग हैं ये फिर से चाह रहे हैं कि बंदूक चला ही देनी चाहिए, बहुत देर से बंदूक ठंडी रखी हुई है, माहौल सरहद पे भी गर्म है, तो यहाँ से भी गोली चलनी चाहिए। हम पांच, यस गिव मी फाइव। स्टार्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि गब्बर भी कहता जब तक तेरे पांव चलेंगे इनकी सांसें चलेंगी। नहीं अब वो टाइम नहीं रहा। अब कौन सा टाइम है? अब दूसरा टाइम है। बोले तो? बोले तो अपना टाइम आएगा। अभी चला गया वो टाइम, कहा था बसंत कुत्तों के सामने मत अचरा, अभी अच्छा खासा कमाने को मिल जाता कौन ना नाचे। अच्छा एक चीज है कि अपना टाइम आएगा, ये जो चीज आपने बोली है, ये टाइम आएगा, ये कब से भरोसा हुआ? शुरू से जब से स्टेज में आप उतरी तब से ये भरोसा था कि? नहीं नहीं, हर किसी का लाइफ स्टोरी बहुत अलग होता है, मेरा भी बहुत यूनिक है। अच्छा आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं, कितने अच्छे इंसान है। मैं समझ रहा हूँ, खड़े खड़े आप थक जाएंगे। थैंक यू। हाय बेबी। ये ठीक था। ये मस्त है, मैं इसको ही देखने जा रही हूँ जब से आई हूँ। हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग होती है मेरे ख्याल से, सभी अलग अलग, एक तो मम्मी पापा भी सबके अलग अलग होते हैं अगर आप देखोगे तो। किसी के पापा बहुत गुस्सेल होते हैं, किसी के पापा बड़े ही प्यारे से होते हैं, किसी के पापा कैसे होते हैं, किसी की मम्मी कैसी होती है, सबका अपना अपना। तो मैं भी जब निकली थी तो मेरा माइंड सेट था कि बस कमाना है, घर में लाना है, खर्चा करना है, ख़त्म कहानी, इतना ही था। लेकिन उस टाइम जो स्टेज शो, आज भी इवेंट, आज भी नो डाउट हरियाणा में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहा करते हैं कि आप कितना भी अच्छा कर लो,
अगर किसी इंसान का नाम हो जाता है उसके बाद बदनामी उसको ही झेलनी पड़ती है। अगर आप आज के टाइम के हरियाणा के इवेंट खोल के देखोगे और कितनी भी लड़कियों के डांस देख लो, अगर आपको मेरे डांस में वल्गैरिटी मिले तो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आप कहेंगे कि डांस छोड़ दो, मैं डांस भी छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे ख्याल से मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरी मर्यादा का पता है, मेरी लिमिट का पता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बता रखा है बेटा आपकी लिमिट यहाँ तक है, आप इससे आगे जाएंगी तो आप घर में नहीं आ सकती। उन्होंने मुझे बोल रखा है।